दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ घर से काफ़ी दूर दिनेशपुर नाम के जगह पे, और यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में भी बहुत बढ़िया बागवानी हो रही है और फूल भी इसमें ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। फ्लावरिंग प्लांट के अलावे यहाँ पे कुछ सेकुलेंट प्लांट हैं जो आपको देखने को मिलेगा, और इस चिलचिलाती धूप में यदि किसी पौधे के सिकन नहीं है वो पौधा जो प्लांट है वो कैक्टस के प्लांट है। तो कैक्टस के भी कई सारे वेराइटी यहाँ पे आपको इस छत पे इस टेरिस पे देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया कैक्टस भी लगा हुआ है, कुछ हैंगिंग पॉट में भी लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो अमूमन सर्दियों के समय खिलते हैं वो यहाँ पे अभी आपको बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करते हुए दिखेगा। जिन्होंने ये बागवानी किए हैं वो भी मेरे साथ रहेंगे, बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे उन सज्जन का फोटो, तो वो भी मेरे साथ रहेंगे। आइए उनके साथ ही देखते हैं उनकी ये बागवानी और बागवानी आइडिया भी। जिन्होंने ये सुंदर सी बागवानी कर रखे हैं वो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले उनका नाम और फिर प्रॉपर लोकेशन, किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये भी। तो सबसे पहले दोस्त अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभजीत है और मैं दिनेशपुर में रहता हूँ, और ये दिनेशपुर वार्ड नंबर 9 है। शुभजीत जी, आप बागवानी कितने साल से कर रहे हैं? यदि बागवानी मैं अपने पापा के साथ 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, बागवानी करते हुए अच्छा लगता है आपको? हाँ अच्छा लगता है। ये गुलाब के जो फूल हैं, ये छोटे छोटे फूल देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और इस वेराइटी की यही खासियत है कि एक साथ में कई सारे फूल खिलते हैं और ये कलर भी अपने आप चेंज करते हैं। शुभजीत ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। जब शुरुआत में निकलता है तो ये फूल का कलर कुछ इस टाइप का होता है, फिर धीरे धीरे ये लाइट होते जाता है और फिर सफ़ेद होकर ये सूख जाते हैं। तो ये प्लांट कितने दिन से आपके पास है शुभजीत? 3 साल से ही है। अच्छा, 3 साल से ये कहाँ नर्सरी से लाए थे पौधे? हाँ नर्सरी से लाए थे। मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं आप, यदि मैं पूछूँ तो मिट्टी में आप खाद के तौर पर क्या क्या डालते हैं? मिट्टी में खाद मिलाते हैं जो गोबर का वो मिलाते अच्छा गोबर का खाद मेनली आप लोग मिलाते हैं, तो गोबर के खाद से इतना बढ़िया फ्लावरिंग होता है? हाँ, और बाकी भी लगाते हैं इसमें, फिर फर्टिलाइजर भी लगाते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपके यहाँ पे जो इस टेरिस पे मैं देख रहा हूँ सब छोटे वेराइटी गुलाब के, जिसे बटन रोज कहते हैं, वही ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका क्या खास कारण है? इसका कारण है क्योंकि टेरेस पे बड़े फूल लगाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, इसलिए छोटे पौधे में ज्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप ये पौधे लगा रखे हैं। इसके अलावा भी शुभजीत बाबू, मैं आपके छत पे देख रहा हूँ कई सारे और भी प्लांट है, जैसे ये रेन लिली का प्लांट हो गया जो अभी बरसात में खूब फ्लावरिंग करेगा, फिर यूफोर्बिया मिली के छोटे वेराइटी और लगे किस चीज में है दोस्तों ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉट में, और कैक्टस के तो कितने सारे वेराइटी यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस चिलचिलाती गर्मी में यदि किसी पौधे पे इस धूप का असर नहीं दिखता है तो वो पौधा यही है, कैक्टस के वेराइटी। कैक्टस को पानी नहीं के बराबर दिया जाता है और बगैर पानी के ग्रो करने वाला ये पौधा है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है बीच बीच में, और वो फ्लावरिंग भी जो फ्लावर के कलर होते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। खास बात ये है इन सारे ही कैक्टस की कि ये एक बार यदि आप कहीं से कलेक्ट कर लेते हैं तो इसी चीज़ को आपको बार बार कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी एक पौधे से कई सारे बेबी प्लांट निकलते हैं और उसी से आपका छत हमेशा भरा रहेगा और ये आपके बागवानी से कभी दूर नहीं जाएगा। तो आप भी यदि कम केयर में बढ़िया प्लांट चाहते हैं अपने टेरिस पे अपने बालकोनी में तो कैक्टस को ज़रूर जगह दें, क्योंकि कैक्टस में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, केयर की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप इसमें जब लगा रहे हैं पौधे को उसी टाइम में जो खाद दे दिए वही खाद इसको लाइफ टाइम के लिए काफ़ी हो जाता है, और बीच बीच में इसको खाद भी नहीं डालना पड़ता है, ना ही इसमें किसी प्रकार की कीड़े का अटैक होता है। तो कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसे आप विदाउट एनी केयर अपने बालकोनी अपने छत पे लगा सकते हैं, इसकी खूबसूरती भी बहुत बढ़िया होता है। हालांकि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं इसलिए बच्चों के पहुंच से इस प्लांट को आप दूर रखें तो बेहतर है।
एक और कैक्टस का ही वैरायटी और सबसे महंगे फ्रूट में से एक माने जाने वाला ये फ्रूट का प्लांट है जिसका नाम ड्रैगन फ्रूट है। तो शुभजीत बाबू, ये ड्रैगन फ्रूट कितने साल से आपके बागवानी में है? ये ड्रैगन फ्रूट 2 साल से है। ये क्या नर्सरी से लाया हुआ था? नर्सरी से ही लाया था, नर्सरी से नहीं, ये अमेज़न से ऑर्डर किया था। अच्छा, ऑनलाइन आपने परचेज किए थे। तो इसमें क्या कभी फ्रूटिंग हुई है जब से आई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुए। इसको क्या कटिंग से हम तैयार कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, इसको इसकी कटिंग यहाँ से हम यदि दोस्तों कट करके कहीं और लगा देंगे तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और एक पौधे से कई सारे पौधे बनते जाएंगे। कुछ और यहाँ पे शो वाले पौधे लगे हुए हैं जो छोटे छोटे नर्सरी पॉट में ही लगे हैं। ये देखिए, नर्सरी के पॉट में जो प्लांट खरीद के लाते हैं उसी में लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया ये अभी ग्रो कर रहा है। एक छोटे से मटकी में भी देखिए इन्होंने लगा रखे हैं पौधे, कलांचू का देसी वेराइटी, और वो भी ठीक ठाक अभी फ्लावरिंग कर रहा है। तो कलांचू का भी पौधा जो है एक बंच में स्टिक निकलता है उसी पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और जब सारे फूल एक साथ खिल जाते हैं तो देखते ही बनता है। और यहाँ पे डायफन बेचिया का एक प्लांट जो इन्होंने मिट्टी के गमले में लगा रखे हैं, और दूसरी तरफ सेंसेबेरिया यानी कि स्नेक प्लांट जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। ऑक्सीजन लेवल को यदि मेंटेन करना है तो इस हार्डी प्लांट को अपने बागवानी में ज़रूर जगह दें क्योंकि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है और अपने आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की कमी कभी महसूस नहीं होने देता है। क्यारियों में लगे हुए ये पौधे अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी के पौधे, बहुत हेल्दी पौधे देखने को मिलेगा। कुछ फ्रूट भी अभी आ रखे हैं, वैसे अभी ऑफ सीजन हो गया है इनका, सर्दियों में ज़्यादा फ्रूटिंग होती है इसमें, लेकिन पौधे बड़े हेल्दी देख रहे हैं यहाँ पर। और साथ में ही टर्टल बाइन भी लगा रखे हैं। और एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा फूल है जो मुझे अपनी तरफ आकृष्ट करता है और वो है दोस्तों ये जरबेरा का फूल। हालांकि कुछ प्लांट इन्होंने ग्राउंड में भी लगा रखे हैं लेकिन छत पे भी यहाँ ये जरबेरा एक खिला हुआ है। और एक बर्ड्स यदि मैं दिखा सकूँ आपको तो ये बर्ड्स भी निकले हुए हैं। ये क्यारी टाइप का बना हुआ है और पूरे क्यारी में लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। उम्मीद है अगले साल इसको डिवाइड करके ये एक से कई सारे पौधे बना लेंगे। और कुछ बोनसाई भी, बोनसाई की भी शौकीन है तो ये देखिए बोनसाई कितना बढ़िया ये बना रखे हैं। और बोनसाई पॉट भी देखिए कितना बढ़िया, एक छोटा सा पॉट है उसी में ये बोनसाई बना रहे हैं। शुभजीत बाबू, ये बोनसाई कितने साल पुराना पौधा होगा? ये बोनसाई 3 साल पुराना है। अच्छा, 3 साल से आपके पास है ये। इसमें छोटे छोटे फल भी आ रहे हैं, क्या है ये, फल ही है क्या है, फूल है? फूल है ये। अच्छा, ऐसे ही निकलता है इसमें। तो ये पौधा यदि मैं आपको दूर से दिखाऊं तो देखिए कितना बढ़िया ये शेप ले रखा है और छोटे छोटे इसमें फल भी आ रखे हैं। और भी कई सारे गर्मियों के प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। यदि बात करूँ तो यहाँ पे पोर्चुला का या 9 o'clock, और 9 o'clock में देखिए अभी फ्लावरिंग कितना बढ़िया होने लग गया है। छोटे छोटे पॉट में लगे हुए ये पौधे जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और एक देसी विनका का भी, और इस फूल का आनंद लेते हुए ये छोटे छोटे तितलियाँ भी देखिए इस पर मंडराने लग गए हैं। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट यदि कोई है तो वो 9 o'clock भी है, और विनका तो है ही, विनका यानी सदाबहार तो है ही है। कुछ हैंगिंग पॉट भी इन्होंने लगाए हुए हैं और उस हैंगिंग पॉट में लगे हुए हैं देखिए टर्टल वाइन। गेट के दोनों तरफ ये हैंगिंग में टर्टल वाइन लगा हुआ है और देखने में कितना बढ़िया लगता है। बिल्कुल इजी टू केयर है, इजी टू ग्रो प्लांट है। कहीं से भी जरा सा भी टिप भी आप यदि इसकी काट के ले आते हैं और उसको मिट्टी में लगा देते हैं तो ग्रो करने लग जाता है और बगैर किसी केयर के ये चलता रहता है। बहुत बढ़िया प्लांट है हैंगिंग पॉट के मतलब के लिए। कुछ यहाँ पे आपको किचन गार्डन का भी नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि इस धूप की मार इस पे साफ साफ दिख रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रूटिंग होने लग गया है
और सब्जी इसमें वही लगा है जो पिछले साल हम लोग खरीद नहीं पाते थे, अपने पहुंच से बाहर हो गया था। लगभग 100 रुपये के आसपास ये किलो मिलने लग गया था। जी हाँ दोस्तों, टमाटर पिछले साल हम लोगों को यानी कि साधारण फैमिली को बहुत रुलाया था और अब थाली से दूर हो गया था। वही टमाटर यहाँ पे लगे हुए हैं और किस चीज़ में लगे हुए हैं वो भी एक गौर करने वाली बात है। जो राशन हम लोग लाते हैं मंथली राशन, उसी के खाली कट्टे में ये सारे ही प्लांट लगे हुए हैं। कुछ टमाटर आपको यहाँ पे पके हुए दिखेंगे जो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो कुछ ऐसे हैं जो अभी तैयार हो रहा है। और छोटे छोटे फूल तो इसमें कई सारे, छोटे छोटे दाने तो इसमें कई सारे आए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं विश्वजीत बाबू के जो ग्राउंड गार्डनिंग के तौर पे लगे हुए हैं कुछ प्लांट्स, उसको भी अब देखते हैं। दोस्तों अभी सुबह सुबह का समय है और मैं सुबह ही यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे देखिए कमल कितना बढ़िया, कमल कह लीजिए, लीली कह लीजिए, कितना बढ़िया खिला हुआ है। यदि मैं अभी शाम को आता यहाँ पे तो ये फ्लावर मुझे बिल्कुल ही खिला हुआ नहीं दिखता, और अभी सुबह सुबह ये खिले होते हैं। जैसे ही दोपहर होता है ये फूल बंद सा हो जाता है, फिर देखने को नहीं मिलता। तो ये लगा कहाँ है, देखिए ग्राउंड में, ज़मीन में इन्होंने कुछ ऐसा इंतजाम कर रखे हैं जो पानी को स्टोर कर रहा है। और ये क्या सुबह, ये क्या है, लोहे का है किनारे, नहीं प्लास्टिक का, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का बॉर्डर बना हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने पॉली बैग इसलिए लगा रखे हैं ताकि पानी रिस के नीचे ना जाए, इसमें स्टोर रहे। और फूल तो है ही है, इसमें आपको कलियां भी मिलेगी, उम्मीद है ये सब कलियां कल खिल जाएगी। और इतना बढ़िया केयर करते हैं ये लोग, जो सर्दी के फूल पिटूनिया भी यहाँ आपको अभी इस चिलचिलाती गर्मी में देखने को मिलेगा। हालांकि सर्दियों के मौसम में इस पे बहार होता है और इस पे रौनक कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मी होने के बावजूद भी ये डबल पेटल्स की पिटूनिया देखिए कितना बढ़िया खिल रहा है। और ये इसका तो कहने ही क्या, ये मॉसरोज या नाइनो क्लॉक को जितना आप धूप में रखेंगे उतना बढ़िया ही इसमें फ्लावरिंग होगी और यहाँ हो भी रही है। दोस्तों कुछ ग्राउंड गार्डनिंग के तौर पे इन्होंने चंपा का प्लांट भी लगा रखे हैं और उसमें भी ये फूल आने लग गया है। देखिए चंपा भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट है और हार्डी प्लांट है, इसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और ये गमले में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ सा बन जाता है, और ज़मीन में यदि लगा दें तो बिना किसी केयर के ये चलता रहेगा और फ्लावरिंग रुक के इसमें साल भर आता रहता है। हालांकि जब फ्लावरिंग नहीं रहता तब भी ये पौधा बोनसाई का रूप अपने आप में लेता है और हरियाली जहाँ भी ये लगा देंगे चारों तरफ हरियाली बना के तो रखेगा ही रखेगा। कुछ और सर्दियों के फ्लावर जो अब दम तोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, डॉग फ्लावर की वेराइटी है ये जो अब दम तोड़ सा रहा है। दूसरी तरफ पर्सलेन का देखिए कितना प्यारा कलर है और फूल भी कितना बढ़िया इसमें अभी खिला हुआ है। ये गर्मियों में खिलने वाला खूबसूरत प्लांट में से एक है, कई सारे कलर इसके पाए जाते हैं, दो कलर तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे, इसके अलावा भी कई सारे कलर इसके अवेलेबल हैं। और ये भी ठीक नैनो क्लॉक या मॉसरोज की तरह ज़रा सा कटिंग आप कहीं भी फेंक देंगे तो वहाँ जमने वाला और आसानी से ग्रो करने वाला पौधा में से एक है। दोस्तों ग्राउंड में लगा हुआ ये फ्लावरिंग प्लांट भी आपको अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए काफ़ी है। इसके फूल देखिए कितने सारे एक साथ खिले हुए हैं और ये पिंक कलर का फूल बंच में जो आ रहा है वो तो देखते ही बनता है। साबनी का प्लांट है दोस्तों, और साबनी का प्लांट इसे को आप गमले में भी लगा सकते हैं और ग्राउंड में यदि लगा देंगे तो इसी तरह आंगन का या जिस भी एरिया में आप लगा देंगे उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। बहुत ही सस्ते रेट में ये आपको नर्सरी से मिल जाएगा और ये एक परमानेंट प्लांट है जो अभी से लेके सर्दी आने तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो इस चिलचिलाती गर्मी में भी इतने सारे प्लांट मैंने आपको इनके टेरिस इनके आंगन पे दिखाया जिसमें अभी भी बाहर आया हुआ है। उम्मीद है ये प्लांट देख के आपको अच्छा लगा होगा और आप भी यदि अपने बागवानी में इस तरह के प्लांट अभी नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाएंगे। सामनी तो देखते ही बनता है, इसके अलावा भी लोटस, पिटूनिया, मॉस रोज, कैक्टस के कई सारे वेराइटी मैंने ऐसा दिखाया जो
बहुत बढ़िया लगता है देखने में और गर्मी में भी बाहर ला के रखता है। यहाँ पे दोस्तों आपको जरबेरा के कई सारे प्लांट्स ऐसे दिखेंगे जिसमें फूल अभी भी इस गर्मी में भी आ रहा है। और जरबेरा के अलावा भी यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये डैंथस के अलग अलग वेराइटी देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये डैंथस ऐसा फ्लावर प्लांट है जो अमूमन साल भर ही फूल देता रहता है और बहुत ही सस्ते 15 से 20 रुपये का ये प्लांट नर्सरी में मिल जाता है। कई सारे रंग कई सारे डिजाइन इसके पाए जाते हैं। डैंथस भी आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करें क्योंकि कम केयर में बढ़िया फ्लावरिंग और हार्डी प्लांट के तौर पे इसे आप ऐड कर सकते हैं। फ्लावर प्लांट के अलावा भी इनके गार्डन में आपको दोस्तों फ्रूट प्लांट्स भी कई सारे मिलेंगे जिसमें से एक फ्रूट प्लांट मुझे ऐसा दिखा जिसमें अभी फल बनना स्टार्ट हो गया है। ये छोटे छोटे दाने जैसे जो निकले हुए हैं ये शरीफा का प्लांट है और उम्मीद है कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाएगा। प्लांट की यदि बात करें तो इनके आंगन में चारों तरफ ही प्लांट है और कई सारे प्लांट ऐसे हैं। ये खजूर के पौधे भी हैं, ये देखिए जिसमें ये झाड़ी नुमा जो निकलता है इसी में खजूर निकल के आएगा। और ये फ्रूट भी बहुत रेगिस्तानी फ्रूट भले ही हो लेकिन खाने में बहुत बढ़िया होता है। किचन गार्डन का भी बहुत बड़ा एरिया में इन्होंने लगा रखे हैं। यदि मैं दिखा सकूँ तो यहाँ से करेला का बेल आपको दिख रहा होगा, सेम फली दिख रहा होगा, मैंगो का ट्री तो आपको देख ही रहे होंगे जिसमें कई सारे आम इसमें भरे भरे हैं। ये इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए तो ये पौधा बेहतर है ही है। उसके साथ ही इसमें फ्रूट प्लांट में फ्रूट भी लगा हुआ है, चकोतरा का प्लांट, और चकोतरा का फ्रूट भी खाने में बहुत बढ़िया होता है। देखने में भी ये फूल मुझे फ्रूट देखने में अच्छा लगता है जब ये पकता है और इसको हम खाने के लिए काटते हैं तो पिंक कलर का जो इसके दाने निकलते हैं वो बहुत ही बढ़िया फुटबॉल जैसा होता है। हाँ फुटबॉल, बिल्कुल फुटबॉल के साइज का होता है ये बड़े होने पे। और ये छोटे से पौधे में आम देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। तो सुबह ये आम कितने दिनों से है आपके पास, आम का पौधा ये कितने साल से है आपके पास? ये इस बार ही पहली बार आया है, फल इसमें पहली बार आया है। और पौधा कितने साल से है सर? पौधे है ये 4 साल का है। 4 साल का पौधा है और कितना प्यारा इसमें देखिए बड़े बड़े से बोर में ये आम लटक रहा है। अलग किस्म का है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद है इसमें फल इस बार से ज्यादा अगले बार आएगा क्योंकि कई सारे इसके पार्ट्स ऐसे हैं पौधे के जिसमें अभी फ्रूट नहीं आया है। अभी फ्रूट प्लांट की बात कर रहे हैं तो इनके आंगन में एक और ऐसा फ्रूट प्लांट जिसमें भर भर के फ्रूटिंग हो रहा है। अभी दाने छोटे छोटे जरूर होंगे, ये बड़े होने पे बहुत बढ़िया देखने में भी लगता है और खाने में तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत में से एक है ही है। दोस्तों ये सितंबर अक्टूबर तक पक जाएगा, ये सितंबर अक्टूबर तक जैसे सर बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक ये पक के तैयार हो जाएगा। ये बांग्ला में इसको कमोला लेबू कहते हैं जबकि ये हिंदी में संतरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कितना बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो रहा है, मैं यदि आपको दिखाना चाहूँ तो उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे पूरे पौधे में पूरे पेड़ में ये लदे पड़े हैं। फ्रूटिंग के अलावा भी यहाँ पे ये साइड में झुमका बेल भी लगा हुआ है। और अब देखिए फ्रूट की चर्चा हमने छेड़ ही दिए हैं तो ये देखिए बंच में आया हुआ ये ग्रेप्स यानी कच्चे अंगूर। पके हुए अंगूर तो सभी देखते हैं और खाते हैं, कच्चे अंगूर कम ही लोग देखते हैं या जो लगाते हैं केवल वही देख पाते हैं। देखिए कितना प्यारा ये बंच में खिला हुआ निकला हुआ फ्रूट है। दोस्तों उम्मीद है इनके पूरा बागवानी देखने के बाद आप भी प्रेरित हो रहे होंगे इस तरह की बागवानी अपने छत पे अपने गमले में अपने आंगन में लगाने के लिए। सामने आपको स्क्रीन पे बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए दिख रहे होंगे, ये मेनली सर्दियों में खिलता है लेकिन अभी भी इस गर्मी में भी इनके आंगन को महका के रखा है, इनके आंगन को अभी भी बाहर ला के रखा है। बात करें इस गुलाब की तो गुलाब, फिर उसके बाद यूफोर्बिया मिली के कई सारे प्लांट्स एक साथ लगे हुए हैं और ग्राउंड गार्डनिंग के तौर पे ये जरबेरा, इसका कलर भी अल्टीमेट कलर है। अमूमन इसमें सर्दियों में भर भर के फूल आते हैं लेकिन अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। एक बड़ा सा स्टिक निकलता है ये देखिए और उसी स्टिक के टॉप लेयर पे ये फ्लावरिंग हो रखा है। सदाबहार का फूल भी हवा में हिचकोले खाते हुए आपको अच्छा लग रहा होगा। तो
शुभजीत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बागवानी हमें और हमारे YouTube फैमिली के लिए शेयर किए। उम्मीद है आपकी ये बागवानी देखने के बाद कई सारे आप जैसे ही टीनेजर, आप जैसे ही नवयुवक भी बागवानी करने को प्रेरित होंगे।